व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे पांच फ्री प्रो लेवल के फोटो एडिटिंग एप्स। बिना कोई फालतू बात किए सीधा मुद्दे पे चलते हैं। पहले नंबर पे आता है Lightroom मोबाइल। एकदम बढ़िया ऐप है, ओवरऑल लुक ही बदल देगा आपके फोटो की। कलर ग्रेडिंग का बाप है बाप। इसके अलावा आपको फीचर्स मिलते हैं हीलिंग ब्रश, मास्किंग, प्रीसेट्स और प्रो कैमरा भी बिल्ट इन है। अब प्रोज की बात करूँ तो बेस्ट फॉर कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग आपको दूसरे ऐप्स में भी मिलती है, लेकिन Lightroom का जो क्वालिटी है वो किसी में भी नहीं। फ्री वर्जन, हाँ ये प्रो लेवल का ऐप आपको फ्री में मिलेगा और सारा काम चल जाता है, एंड आपको प्रो फीचर्स की काफ़ी हद तक ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्ट इन प्रो कैमरा, Lightroom ऐसा कर लिया तो लाइफ प्रो लाला। हाँ अगर आपके पास Lightroom है तो ऐप में ही प्रो कैमरा बिल्ट इन मिलेगा। यूनिवर्सल प्रीसेट्स, अगर आप किसी फोटोग्राफर के फ़ैन हो या किसी की फ़ोटो एडिटिंग अच्छी लगती है तो आप उनके प्रीसेट्स डाउनलोड करके इसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि दूसरे ऐप्स में ये पॉसिबल नहीं होगा और ना ही कोई दूसरे ऐप्स के लिए प्रीसेट्स बनाते हैं। सीमलेस वर्कफ्लो अक्रॉस ऑल डिवाइसेस, Lightroom आपके फ़ोन में भी चलेगा, iPad में भी चलेगा और कंप्यूटर में भी चलेगा। इसका सीमलेस वर्कफ्लो है, अगर आपने फ़ोन में एडिटिंग की है तो ये आपके कंप्यूटर में अपडेट हो जाएगा बिना कुछ किए। पेड वर्शन ओनली फॉर मोबाइल इज़ चीप। आपको सिर्फ मोबाइल पे पेड वर्शन चाहिए तो यह आपको प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे 170 रुपीज़ का, यानी कि 170 रुपए का मिल जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्स के। मास्किंग एंड हीलिंग ब्रश ओनली अवेलेबल इन पेड वर्शन। ये वाले फीचर्स आपको फ्री में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बाकी ऐप से बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। रॉ फोटो एडिटिंग ओनली अवेलेबल इन पेड वर्शन। हाँ यह वाला बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है यार कि आप रॉ फोटोज एडिट नहीं कर पाओगे फ्री वर्जन में। बैच एडिटिंग ओनली अवेलेबल इन पेड वर्जन, इसका मतलब अगर आप एक फ़ोटो सेम लोकेशन में सेम टाइप के जितने भी फोटोज हैं वो सारे एक साथ एडिट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पेड वर्जन में। प्रो वर्जन इज़ एक्सपेंसिव। हाँ अगर आपको फुल प्रो वर्जन आईपैड पे और कंप्यूटर पे भी चाहिए तो यह वाला करीब आपको 800 रुपीस यानी कि 800 रुपये का मिलता है। दूसरा ऐप है स्नैपसीड। ये गूगल का नेटिव ऐप है, इस पर तुम फोटो एडिटिंग के साथ बहुत कुछ कर सकते हो। टेक्स्ट, फिल्टर्स, ऑब्जेक्ट भी रिमूव कर सकते हो और बहुत सारे यूनिक फीचर्स भी मिल जाएंगे। अब प्रोस की बात करूँ तो इट्स कम्प्लीटली फ्री। हाँ ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रो होगा, है ना। इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो सब फ्री हैं। मेनी टूल्स टू प्ले विथ, आप अलग अलग टूल्स यूज़ करके आपका लुक ही बदल सकते हो। रॉ एडिटिंग, ये वाला भी बहुत बढ़िया फीचर है क्योंकि आजकल हर फोन रॉ शूट करने लगे हैं तो रॉ एडिटिंग भी करनी चाहिए ना। हीलिंग ब्रश, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट्स रिमूव करना है आपके फ़ोटोज़ में तो इस टूल का इस्तेमाल करके कर सकते हो। पोर्ट्रेट टूल, इसमें आप अपने फेस को स्मूथ और स्पॉटलाइट कर सकते हो और आई की क्लैरिटी भी बढ़ा सकते हो, जो पोर्ट्रेट शूट करते हैं उनके लिए एकदम फॉरी फीचर है। लेंस ब्लर, इससे आप वो जो पोर्ट्रेट मोड वाला इफेक्ट ला सकते हो। टेक्स्ट, और हाँ फोटोज पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो और अलग अलग फॉन्ट्स भी हैं। अब कॉन्स की बात करूँ तो नॉट ए प्रो लेवल कलर ग्रेडिंग। Lightroom के साथ कंपेयर करूँ तो कलर ग्रेडिंग उतना खास नहीं है। लर्निंग कर्व नीडेड, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स और ऑप्शंस हैं तो आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करके सीखना पड़ेगा। तीसरा ऐप लेंस डिस्टॉर्शंस, ये ऐप आर्टिफिशियल इफेक्ट्स के लिए बढ़िया है, जैसे कि लाइट रेस, रेन, स्नो, फॉग और ओवरलेस, ये सब आप रियलिस्टिकली ऐड कर सकते हो। अप्रोच की बात करूँ तो हाई क्वालिटी इफेक्ट्स, जितने भी इफेक्ट्स हैं इतने हाई क्वालिटी हैं कि नेचुरल लगते हैं, हालांकि तुमने आर्टिफिशियली ऐड किया है लेकिन फिर भी नेचुरल लगते हैं। इफेक्ट्स विद मल्टीपल सिनेरियोस, समझ लो कि रेन का इफेक्ट है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप का रेन है, आपको अलग अलग टाइप के रेन इफेक्ट्स मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज। फ्रीबीज इन एवरी कैटेगरी, हर इफेक्ट कैटेगरी में आपको एक दो इफेक्ट्स फ्री मिल जाएंगे और आपका काम भी चल जाएगा। एडजस्टमेंट्स फॉर इफेक्ट्स, हाँ आप कोई भी इफेक्ट यूज़ कर लो उसको एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे कि ब्राइटनेस, टिंट, ओपेसिटी वगैरह वगैरह। अब कॉन्स की बात करूँ तो यू कॉन्ट यूज़ एवरी फीचर, हर कोई फीचर आपको फ्री में नहीं मिलेगा। एक्सपेंसिव, पेड वर्जन एक्सपेंसिव है, मंथली 240 रुपीज़ यानी कि 240 रुपये का मिलेगा। अगर आप
ईयरली लोगे तो 2100 रुपीज़ यानी कि 2100 रुपये, जो महीने के हुआ 175 रुपीज़। नॉट फॉर एवरीवन, ये ऐप फोटो एडिटिंग के लिए नहीं है, एक्स्ट्रा इफेक्ट्स फ़ोटो पे ऐड करने के लिए हैं, तो हर कोई हर किसी फ़ोटो पे ये सब इफेक्ट्स यूज़ नहीं होंगे। फोर्थ ऐप फोटोशॉप एक्सप्रेस, अगर आपको कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स रिमूव करने हैं तो ये ऐप सही है। अप्रोच की बात करूँ तो एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर नाउ, फिलहाल जो कुछ भी फीचर्स हैं और प्रीमियम फीचर्स भी फ्री हैं। ऑब्जेक्ट रिमूवल इज़ गुड, इसमें जो ऑब्जेक्ट रिमूवल टूल है वो बढ़िया काम करता है। रॉ एडिटिंग, प्रीमियम फीचर होने के बावजूद भी आप इसमें रॉ फोटोज एडिट कर सकते हो। फिल्टर्स, बहुत सारे फिल्टर्स हैं। टेक्स्ट एंड स्टिकर्स, आप टेक्स्ट और स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हो। फ्रेम्स, फोटो फ्रेम्स और कॉलाज का ऑप्शन भी है। अब कॉन्स की बात करूँ तो नॉट फॉर कलर ग्रेडिंग, लाइटरूम जैसा कलर ग्रेडिंग ऑप्शंस देख रहे हो तो भूल जाना, नहीं मिलेगा। नो एडजस्टमेंट्स फॉर फिल्टर्स, जब कोई फिल्टर यूज़ करते हो उसके ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं है, जैसा आएगा वैसा यूज़ करो, बाकी सब खुदा पे छोड़ दो। फिफ्थ ऐप पिक्सार्ट, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, आप फोटो एडिटिंग के साथ फ़ोटो मैनिपुलेशन भी कर सकते हो और बहुत सारे प्रो लेवल के फीचर्स भी हैं। इतना समझ लो कि यह फोटोशॉप का बच्चा है। हाँ, अब प्रोस की बात करूँ तो मोस्टली फ्री, आपको काफ़ी फीचर्स फ्री में मिलते हैं। फ्री स्टॉक फ़ोटोज़, ये वाला पिछले कोई ऐप में नहीं था, अगर आपको कोई स्टॉक फ़ोटो चाहिए आपके फ़ोटो के साथ मिक्स करने के लिए तो फ्री में मिल जाएंगे। ग्रेट ब्यूटी टूल्स, लड़कियों के लिए ये चाहिए ही चाहिए, या फिर उनके लिए जो ज़्यादा पोर्ट्रेट्स एडिट करते हैं उनके लिए काफ़ी फीचर्स हैं, जैसे कि स्किन टोन, आई कलर, हेयर कलर वगैरह। फ़ोटो मैनिपुलेशन, सिर्फ फ़ोटो एडिटिंग ही नहीं मिक्स भी कर सकते हो, अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं, जैसा फ़ोटोशॉप पे काम होता है ठीक उसी तरह हो सकता है। बैकग्राउंड रिमूवल, एक टैप में बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है। टेक्स्ट और स्टिकर्स, आप टेक्स्ट और स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हो। लेंस फ्लेयर्स, जो आपको लेंस डिस्टॉर्शन ऐप में मिलते हैं वैसे ही कुछ, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। गुड प्राइस, प्रोवर्शन आपको 3 मंथ्स का 199 रुपीज़ में मिलेगा, वही अगर आप ईयरली लेंगे तो 649 रुपीज़ का यानी कि मंथली 54 रुपीज़ का मिल जाएगा। अच्छा खासा प्राइस है इतने सारे ऑप्शंस के साथ। अब कॉन्स की बात करूँ तो एड्स, बार बार बीच में एड्स आ जाते हैं यार, सारा क्रिएटिव मूड ख़राब हो जाता है। टू मैनी टूल्स, कभी कभी इतने सारे टूल्स और ऑप्शंस भी कन्फ्यूजन है। स्लो और क्रैश, जब कोई इफ़ेक्ट्स अप्लाई करते हैं तो टाइम लेता है और कभी कभी क्रैश हो जाता है। हाँ, फाइनल कंक्लूजन, अब मेरे हिसाब से आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप सिर्फ फ़ोटो एडिटिंग करते हो और कुछ नहीं तो गो फॉर लाइटरूम, एकदम बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे और सारे फोटोग्राफर्स वर्ल्ड वाइड यही यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई लिमिट्स नहीं चाहिए और रॉ एडिटिंग भी करना है और पोर्ट्रेट ऑप्शंस भी चाहिए तो स्नैपसीड इज़ द बेस्ट, सब कुछ फ्री में मिलेगा। या आप सिर्फ फ़ोटो एडिटिंग ही नहीं उसके साथ साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हो, फोटो मैनिपुलेशन, मिक्सिंग ये सब करना चाहते हो तो पिक्सार्ट आपके लिए सही है, चाहे फ्री वर्जन हो या पेड। अगर किसी भी तरह ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। पूरा वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।